नमस्कार, फूडी यनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कम ऑयल में बनने वाला सूजी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। सूजी का नाश्ता तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी सबसे अलग है और सबसे मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सूजी बॉल्स बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी, 1/2 गिलास में हम यहाँ पे थोड़ी सी देसी घी डाल रहे हैं। जब पानी में 1 उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। यहाँ पे हम ले लिए हैं 1/2 कटोरी सूजी, इसे डाल देंगे। अब इसे लगातार चलाना है ताकि इसमें जो गुठली है वो ना बने। हमें यहाँ पे सूजी को लगातार चलाना है, इसे एक डो जैसे तैयार करना है। जैसे हम हलवा बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस में इसे भी यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे सूजी पक गई है, इसे अच्छे से लगातार चलाते रहें। अगर सूजी में गुठली पड़ गई है तो आप लगातार चलाएंगे तो गुठली जो है फूट जाएगी। अब इसे हम एक अलग से प्लेट में निकाल के रख लेंगे ठंडा होने के लिए। इधर सूजी को रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक सूजी ठंडा हो रही, इधर हम एक स्टीमर तैयार कर लेंगे बॉल्स को स्टीम करने के लिए। हम यहाँ पे स्टीमर लिए हैं, आप चाहो तो कढ़ाई ले सकते हो, उसमें पानी डालकर एक प्लेट डालकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम ढक्कन बंद कर दिए हैं, इसमें स्टीम आने तक हम इसका वेट करेंगे। फिर इधर हम ले लिए हैं प्लेट, उसमें लगा दिए हैं घी। इधर सूजी भी ठंडा हो गई है, अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस प्रकार से जैसे वीडियो में दिख रहा। इसी प्रकार से सारी बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सारी बॉल्स बन चुकी हैं, अब इसे हम स्टीम करेंगे। इधर पानी में उबाल आ गया है, भाप बन चुकी है, अब इसे हम रख देंगे स्टीम होने के लिए। 5 मिनट तक इसे ढककर हम स्टीम करेंगे। आप बीच में चाहो तो चेक भी कर सकते हो, लेकिन ये 5 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाता है। सूजी इधर हमारी स्टीम हो चुकी है, अब इसे हम रख देंगे साइड में। यहाँ पे हम ले लिए हैं एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी चना दाल, इसे अच्छे से भूनेंगे। आपके पास अगर करी लीव्स है तो आप जरूर डालें। फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला, आप चाहो तो शिमला प्याज टमाटर वगैरह डाल सकते हो या फिर ये स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर हम थोड़ी सी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम जो सूजी के बॉल्स बनाए थे वो डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मसालों के साथ कोट करेंगे।
कढ़ाई में इसे हम 2 मिनट तक रखेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को भी टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का नाश्ता हो। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटो सॉस, आप अपने अकॉर्डिंग सॉस डाल सकते हो, टमाटो चिली सॉस वगैरह। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे नमक। इसे आप सर्व करें चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ। ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए परफेक्ट जाएगी। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।